देखिए दोस्तों, आरआरसी रेलवे ग्रुप डी के 1,03,769 पदों के लिए आवेदन करने वाले 1,15,00,000 अभ्यर्थियों के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से आज और अभी अभी लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें बताया गया है, और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हो, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी के पदों पर निकाली गई भर्ती की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन परीक्षा के लिए दिया गया समय भी नजदीक आ रहा है। सरकार द्वारा दिए गए समय के अनुरूप भर्ती नहीं हो पाने की स्थिति में रेल मंत्री पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। एग्जाम को लेकर अभी तक किसी भी निर्धारित डेट का ऐलान नहीं किया गया है और न ही एग्जाम को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसीलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम मार्च अप्रैल माह में आयोजित किया जा सकता है। एग्जाम डेट जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आरआरसी आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। या तो इसमें बताया गया है कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम मार्च अप्रैल में होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा कुल 1,00,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जानी है और ये नियुक्तियां क्षेत्रीय जोन के अनुसार की जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न और अन्य डिटेल्स के लिए अभ्यर्थी रेलवे रिक्रूटमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम पैटर्न से जुड़ी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन सितंबर अक्टूबर में किया जाना था। भर्ती परीक्षा की तिथियों को लेकर अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक ने कोई जानकारी नहीं दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भी किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एग्जाम डेट न जारी होने से अभ्यर्थी काफी परेशान है। अब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एग्जाम की अपडेट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि ग्रुप डी भर्ती को पूरा करने का समय बेहद नजदीक है, ऐसे में सीबीटी एग्जाम मार्च अप्रैल में आयोजित नहीं किया जाता है तो सरकार पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि ग्रुप डी भर्ती के जरिए रिक्त पदों पर नियुक्तियां 2020 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। अगर यही स्थिति रही तो रेल मंत्री के इस वादे पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जाम, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उनकी मेरिट तैयार की जाएगी। और दोस्तों, आपकी जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल माह में कंडक्ट करा दी जाएगी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा। तो बहुत बड़ी अपडेट है। और दोस्तों, अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किया है तो रिवाइज एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें।